हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिवेश और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं नाउन का पार्ट टू, द नाउन की एक्सरसाइज का पार्ट टू। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। पिक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। तो आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है मतलब कि भाववाचक होता है। मतलब हमने कह दिया चाइल्डहुड, बचपन, खुशी, आप कह सकते हैं ये सारे मतलब वो हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम देख या छू नहीं सकते। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। अ मैन ऑफ डैश इज बेटर देन अ मैन ऑफ मैन ऑफ वर्ड्स। अ मैन ऑफ एक्शन इज बेटर देन अ मैन ऑफ वर्ड्स। देखिए यहाँ पे एक्ट्स दिया गया है, तो यहाँ से एक्ट से कुछ मिलता जुलता ऊपर ऑप्शन मिलेगा, तो हमको ये भरने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैन ऑफ एक्शन इज बेटर देन अ मैन ऑफ वर्ड्स यहाँ पे हो गया। जो आदमी कर देता है वो अच्छा होता है बोलने वाले से। मान लो हम कहते हैं मैं ये करूँगा, मैं काम कर दूंगा, इससे अच्छा हमें सीधा कर ही देना चाहिए उसी समय। यू कांट कीप अ फ्री मैन इन डैश, बॉन्ड से क्या होता है? बॉन्डेज। यू कैन नॉट कीप अ फ्री मैन इन बॉन्डेज, बॉन्डेज होता है बंधन। आप एक आज़ाद इंसान को बांध कर नहीं रख सकते। द डैश हैज़ डिसअपीयर्ड फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। किंगशिप, इसमें आखिरी में किंग है तो वहाँ पे ऊपर हो गया किंगशिप। किंगशिप होता है राजतंत्र, मतलब कि बहुत सारे देशों से अब राजतंत्र खत्म हो चुका है, अब लोकतंत्र आ चुका है। पहले राजा तो हम नहीं चुनते थे, मानो राजा है तो उनका बेटा भी राजा होता था, उनका बेटा भी राजा। अब हम चुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो इस टाइप से हम चुनते हैं। अब ये बहुत सारी कंट्रीज से गायब हो चुकी है कि इसका बेटा ही राजा बनेगा। नेक्स्ट है द डैश ऑफ कियाताज इज इंजॉयबल, पोएट से होता है पोएट्री होती है कविता। द पोएट्री ऑफ किट्स इज इंजॉयबल, इसमें के कैपिटल है तो ये किसी का नाम है, तो जो किट्स है ना एक कवि है मतलब कि पोएट है। तो पोएट्री ऑफ किट्स इज इंजॉयबल, जो किट्स पोएट कविता लिखती है ना वो बहुत मस्ती भरी होती है। व्हेन डिड द डैश टेक प्लेस, थीफ से हो गया थेफ्ट। व्हेन डिड द थेफ्ट टेक प्लेस, थेफ्ट होता है चोरी। व्हेन डिड द थेफ्ट टेक प्लेस, चोरी कब हुई? ही वॉज अ वेरी लिटल चाइल्ड इन हिज डैश, इन्फेंट है यहाँ पे तो इन्फेंसी हो गया। इन्फेंसी होता है बचपन, मतलब ही वॉज अ वेरी क्यूट चाइल्ड इन हिज इन्फेंसी, वह अपने बचपन में बहुत क्यूट था। बैगिंग इज अ कर्स, बैगर होता है भिखारी, बैगिंग होता है एक बैगिंग एक श्राप है। ही गोट फाइनली गोट अ डैश स्कॉलर होता है मतलब कि स्कॉलर होता है छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप होता है मतलब स्कॉलरशिप होता है छात्रवृत्ति, स्कॉलर होता है छात्र। ही वेंट ऑन अ डैश पिलग्रिम, पिलग्रिम होता है तीर्थ यात्री, और पिलग्रिमिनेज होता है तीर्थ यात्रा। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज सी। तो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्ट इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, ऑनेस्टी होती है ना तब उसको हमेशा रिवॉर्ड किया जाता है, मतलब उसे कोई भी ऐसे नहीं कहता तो आपने गलत किया ये किया, तो ऑनेस्टी को हमेशा रिवॉर्ड किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट हो गया Nobody can see anything in dash. Please switch on the light. अंधेरे में कोई कुछ भी नहीं देख सकता, प्लीज़ लाइट ऑन करो। ये मतलब कि ये आप इसके सेंस से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंधेरे में कोई नहीं दिखता, लाइट ऑन क्यों करती है? ताकि हम पे लाइट हो जाए, अंधेरा ना रहे। A mother's love for children can't be measured. एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए मापा नहीं जा सकता है। हम ऐसे तो कह नहीं सकते मैं आपसे 1 किलो प्यार करती हूँ, 2 किलो प्यार करती हूँ, इसलिए ये सेंटेंस हो गया। काइंडनेस इज ऑलवेज सर्टिफिकेशन, काइंडनेस हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचती है, सर्टिफिकेशन होता है खींचना या फिर अच्छा लगना। बिरबल वॉज नोन एज हिज विजडम, बिरबल अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। डैश इज वेरी कॉस्टली मेडल,
गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल। द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। फर्नीचर लकड़ी से बने होते हैं। द टायर आर मेड ऑफ रबर। टायर रबर से बने होते हैं। दिस इज द थ्रेड सिल्क नाइलॉन सिल्क। दिस इज अ नाइलॉन सिल्क थ्रेड। यह एक नाइलॉन का थ्रेड है। मदर बॉट वीट फ्लोर फॉर मेकिंग चपाती। माँ गेहूं का आटा लाई रोटियां बनाने के लिए। वीट होता है गेहूं और फ्लोर होता है आटा और चपाती होता है रोटी। हमारा नेक्स्ट है, हमें इस पैसेज को पूरा करना है। जहाँ पे स्लैश है ना वहाँ पे ऊपर वर्ड्स देंगे, इनको भरना है। और ये से स्टार्ट करते हैं। हमारे वर्ड्स है स्टार्टिंग में ट्री फ्रूट्स मैंगो स्प्रिंग फ्लोवर येलो एंड स्वीट। तो आइए से करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे स्लैश दिया गया ना, डंडा दिया गया है एक टाइप का टेढ़ा, वहाँ पे आपको ये करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कह रहा हूँ मैं स्लैश। देखिए इस टाइप का डंडा है एक छोटा सा, वो था स्लैश। देखिए ये रहा स्लैश एक, एक मिनट देखिए स्लैश होता है ये। हाँ देखिए गाइस, अब मैं दिखाता हूँ आपको स्लैश। स्लैश होता है ये, देखो आपको दिख रहा है ये, मैं जहाँ पे एरो करके दिखा रहा हूँ ना आपको, वो है स्लैश। आगे देखिए दा के आगे स्लैश है, मैंगो के आगे एंड बोर के आगे एंड चेंज्ड इनटू के आगे, तो ये होते हैं स्लैश। आफ्टर द कोल्ड विंटर द स्प्रिंग। देखो ठंडे के बाद क्या आता है, कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है। स्प्रिंग सीजन आता है। द स्प्रिंग अराइव एंड द मैंगो आर मैंगो ट्री बोर फ्लोवर्स। तो ये कहते हैं कि सबसे ए ऑप्शन में तो हो गया स्प्रिंग, सेकंड में ट्री एंड सी में फ्लोवर्स। तो देखिए इसका मतलब हुआ ठंडी के बाद स्प्रिंग सीजन आ गया जिसमें मैंगो का ट्री पर फ्लोवर्स आ गए। द फ्लोवर चेंज्ड इनटू फर्स्टली चेंज्ड इनटू फ्रूट्स। फ्लोवर थे ना वो ना फ्रूट्स में चेंज हो गए, डी का फ्रूट्स। फिर होता है फर्स्टली दे वर ग्रीन, देन स्टार्टिंग में वो ना हरे हरे थे, देन मैंगोज बिकेम राइप। देखो देन बाद में मैंगो, मतलब कि वो मैंगो थे ना वो ना राइप हो गए और येलो हो गए पक्कर, मतलब पीले पीले हो गए, पक्कर पीले हो गए। इसका हमारा होता है ई का मैंगोज एंड एफ का येलो। फिर हमारा है था ऑल द डैश ऑफ द जंगल एंजॉयड द डैश मैंगोज। देखो जंगल में कौन रहते हैं, एनिमल्स। ऑल द जंगल एनिमल्स, यहाँ पे जी में हो गया एनिमल। फिर आता है आखिरी लाइन में मैंगोज के पहले आता है स्वीट्स। तो ये हो गया हमारा आज की एक्सरसाइज। तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज थर्ड पार्ट में। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर हमारी वीडियो आए तो उसको लाइक करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आप उसकी डाउट वीडियो बना देंगे। बाय बाय।